पेड़ से शादी होगी तो दोष पेड़ पे चला जाएगा। मतलब भाई की शादी से पहले इश्की को पेड़ से डिवोर्स लेना होगा या उसे कटने का या गिरने का वेट करना होगा? चुप रहे कोते, ये बात मजाक करने की नहीं है। मुझे पता है इश्की मॉडर्न है, वो ये बात नहीं मानेगी। लेकिन अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो मेरे पोते को लेके मुझसे दूर चली जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। दादी आप क्या बोल रहे हो ये? कार्तिक चुप कर। इश्की, इश्की तू ये उपाय करेगी ना? मम्मी ये सब बेकार की बातें हैं, आप क्या तो चुप नहीं रह सकता? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बोलना जरूरी है? वैसे तो बात बहुत अजीब है, पर आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, इश्की ये कर लेगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मुझे पता था ये लड़की नहीं मानेगी। उसे मना ले पुत्र, वो तेरी बात कभी नहीं टालती है, उसको मना ले। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती। ये दादी ये तेरे बिना जी नहीं पाएगी पुत्र, मना ले उसको बेटा। दादी मैं इश्की से बात करूंगा, वो मान जाएगी। हाँ मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। मुझे संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाना। इश्की बेटा बात तो सुन। मासी प्लीज, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। देख बेटा, मुझे पता है बात बहुत अजीब है और तू इन सब में नहीं मानती, लेकिन इश्की अगर उनकी खुशी के लिए तू छोटी सी रस्म कर लेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, कर लेती हूँ शादी। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए पढ़ा लिखा अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला ना पेड़ लेकर आ जाइए। कर लेती हूँ शादी। कौन सा पेड़ सही रहेगा, नीम का? नहीं नहीं, नीम जैसा पति हो तो कैसे चलेगा ना। आम का पेड़, पति तो स्वीट हो तो ही अच्छा लगता है। नहीं इश्की, देख बेटा ऐसे क्या देखो, हम लड़कियों की इस देश में कोई डिग्निटी है या नहीं है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनने के लिए पैदा हुई हैं? आपकी कुंडली में दोष है तो बस एक पेड़ से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। मतलब अगर ये बात कोई लॉजिक भी सुन ले ना तो वो भी पेड़ से लटक के अपनी जान दे दे। मिसेस अहानवीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना। आई नो इट मेक्स नो सेंस, आई नो दैट, पर तुम दादी के लिए मान जाओ ना। देखो दादी हमारी शादी के लिए मान गई है, तुम उनका मान रखने के लिए कर लो। दादी हमारे रिश्ते के लिए मान गई, इस बात के लिए ना मैं सारी उम्र उनकी सेवा करूंगी, दुनिया की बेस्ट बहू बनके दिखाऊंगी। पर मेरी अपनी भी सोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको क्या कहूं? क्या ऐसे पेड़ तुम्हारे जीजा जी हैं? और जब बच्चे किसी पेड़ को पत्थर मारने आएंगे तो क्या करूं, लाठी लेकर उनके सामने खड़ी हो जाऊं कि नहीं मेरे सुहाग को कोई नहीं मारेगा? इश्की मैं तुम्हारी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दादी अगर ये चाहती है तो कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर उन्हें लगता है तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है। कुंडली मैंने नहीं लिखी ना, उसमें जो भी दोष है वो मेरी गलती कैसे हो गई? मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? देखो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारे लॉजिक सही है, लेकिन दादी के भी अपने रीजंस हैं। बेटा खोया उन्होंने अपना, she has seen his dead body. इसलिए जब बात उनके पोते पोतियों की सेफ्टी की आती है ना, वो सारे लॉजिक्स भूल जाती है। वो रस्म समझ के कह रही है, तुम मजाक समझ के कर लो। मुझे आज भी याद है इश्की, जब पापा की डेथ हुई थी ना तो दादी रात रात भर रोती रहती थी। उन्हें लगा कि पापा की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है, उन्हें लगा कि वो कोई पूजा या कोई व्रत रख लेती तो वैसा नहीं होता।
सॉरी. नो आई एम सॉरी. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. फिर भी सजा तो मुझे ही मिल रही है ना. तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? क्योंकि ये बात बड़ी है. आपकी शादी पेड़ से नहीं हो रही है, इसलिए आपको नहीं लग रही है बात बड़ी. इसकी जब बात तुम्हारी सेफ्टी की होती है ना, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता, चाहे वो बात कितनी भी इलॉजिकल या स्टूपिड होती. इसलिए मुझे दादी की बात इतनी गलत नहीं लग रही. प्लीज इश्की, जस्ट थिंक अबाउट इट वंस. इश्की को कन्विंस करने गए. वाह गुरु जी वाह. चरण स्पर्श. लोग शादियों में ना फ्री का खाना खाने आते हैं, हम क्या यहाँ पर ट्री का खाना खाएंगे? आप एक काम करो भाई, इश्की की शादी ना खजूर के पेड़ से करा दो. अमित जी और जया जी वाली फील आएगी एकदम. क्या क्या देख क्या रहे हो? दादी के लॉजिक को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. 21st सेंचुरी में भी लड़कियां पेड़ से शादी नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? एक काम करते हैं, पौधे से शादी करा देते हैं. नहीं नहीं नहीं, वो तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी ना. खाती पी जाया ऐसे, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ. सॉरी. इट्स ओके. अभी तो शुरुआत है. इश्की और दादी में बहुत बड़ा गैप है. तो भाई आप दादी से बात करो ना, उनको समझाओ. एक दो कदम ये कॉमन सेंस की तरफ बढ़ाएंगी तो ये गैप कम हो जाएगा. भाई ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, इस पे फिसलोगे ना तो फिसलते रह जाओगे. आज कुंडली में दोष है तो पेड़ से शादी करा दो, कल पुत्र प्राप्ति के लिए अंगारों पे चलना पड़ेगा, परसों कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा. और आप हर बार जाके ना इश्की के पास, मेरी दादी के लिए प्लीज नदी में कूद जाओ, मेरी दादी के लिए प्लीज अंगारे पे चल लो, मेरी दादी के लिए ये कर लो, मेरी दादी के लिए वो कर लो. नॉनसेंस कार्तिक प्लीज. मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ. फैमिली को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है. हर बात पे अपना झंडा लेके मत आ जाया कर मेरे पास. इश्की और दादी को भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते ना रिश्तों के लिए. बट भाई कॉम्प्रोमाइजेस इतने इंसल्टिंग नहीं होते हैं. जस्ट इमेजिन आपकी कुंडली में कोई दोष होता, आपको इश्की से पहले किसी बकरी से शादी करनी पड़ती, आप मान जाते? सही, मैं जानता हूँ ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ब्रिलियंट दादी, दोनों में लड़ाई हो गई, चाल काम कर गई. तुझे पता है ना क्यों? क्यों? क्योंकि तूने नहीं चली थी. सुन, तुझे याद है ना क्या करना है? जी. मासी, ईवीएम समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है. बेटा उसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार ना बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है. मासी प्लीज, हम सब इंक्लूडिंग इश्की दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर बात में थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए. फ्रैंकली इस बार तो मुझे हान का स्टैंड समझ में ही नहीं आ रहा है, वो दादी की साइड क्यों ले रहा है? देखा आपने, रिया तो सुपर संस्कारी है. जब वो इस बात के साथ ओके नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? ओके तो कोई भी नहीं है इश्की, पर तुम्हारे और अहान के रिश्ते को हाँ करके ना आंटी जी ने बहुत बड़ी बात की है. तो इश्की ने भी तो सिंगापुर में इतनी बड़ी जॉब छोड़ी है मासी, अकेले दादी ही तो सेक्रीफाइस नहीं कर रही. इनफैक्ट मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी है. यहाँ बात मेरे करियर की नहीं है, पर सेक्रीफाइस की तो हो रही है ना इश्की, और तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है अहान के लिए. मुझे मिसेस अहान वीर मल्होत्रा बनना है, मिसेस बरगद का पेड़ नहीं बनना. मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पोते को नहीं खो सकती. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.